स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। प्राउड मोमेंट एंड हिस्टोरिकल डे वक्फ बोर्ड जमीर अहमद खान की लीडरशिप में राज्य और देश के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक दिन बेंगलुरु के हेगड़े नगर में रहे हज भवन में इनेकाद किया गया माइनॉरिटी एजुकेशन एंड वेलफेयर ड्राइव 2024-25 का इनॉग्रेशन, जहां पर जमीर अहमद खान की लीडरशिप में 100 मदरसों को कंप्यूटर तकसीम किए गए तो 26 अजला जिलों के लिए नई हाईटेक ICU एम्बुलेंस सर्विस की गई शुरुआत, जो बचाएगी लोगों की जान, जिसमें बीजापुर भी है शामिल। मैयतों को रखने के लिए 242 फ्रीजर बॉक्स जहां वक्फ की हैं जायदादें ज़्यादा। इसके अलावा हिजाब के साथ लड़कियों के एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए 15 कॉलेजेस की रखी गई संगे बुनियाद, स्कॉलरशिप, ऐसे कई फलाई स्कीम्स की शुरुआत और इफ्तिताह किया मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने। इस प्राउड मोमेंट के लम्हों के गवाह बने मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी, मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी, मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, हज मंत्री रहीम खान, KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद, बिल्किस बानो, KMDC के चेयरमैन BK अल्ताफ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर बाशा के अलावा CEO वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी और जिम्मेदारों के अलावा बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। देखते हुए हमने तय करके वक्फ बोर्ड के अंदर, क्योंकि हमारा 40 करोड़ 60 लाख रुपए एक अमाउंट था, ये BJP हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस FD को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, अल्लाह मियां मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि 40 करोड़ 60 लाख रुपए FD के अंदर हमारे वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है करके मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के, जैसा नासिर हुसैन साहब, नासिर अहमद साहब, सलीम साहब, तमाम मिलके हम लोग तय करके कि आने वाले दिना कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिना कैसे आते बोले बगैर तालीम के। हम तालीम के अंदर मुसलमाना बहुत पीछे, तालीम के अंदर आगे आना उसके लिए BJP वाले साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 करोड़ 60 लाख के 15 PU कॉलेज लेडीज के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके, जैसा के चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बिदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबालापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उड़पी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज, शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय करके, शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज का बनना करके आज संघीय बुनियाद का काम शुरू होगा, आज संघीय बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते, ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे MP साहब पूछ रहे थे भाई ये तुम्हें कॉलेज आ जा रही चलाती किस तरीके से चलाती हो, तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेक के चलाना करको तय करिए। इंशाल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत करको, आने वाले दिनों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक PU लेडीज कॉलेज देना करको हमें तय करको, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो कराते। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर इसके अंदर 15-30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस देना करको तय करे। VDP के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती, तो VDP के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर तमाम बैठ को तय करको ये एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है, एम्बुलेंस की सख्त जरूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंस तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुका के अंदर एम्बुलेंस रहती, मगर वो एम्बुलेंस क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतजाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट, अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ECCG रहता, आमले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज का वेंटिलेटर, यानी हर चीज जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बढ़ाने वाला बचा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना, तो हर चीज जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस मामूली एम्बुलेंस है।
तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोर्ड को तय करको आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करे। ये जो आज इनॉग्रेशन हुए हैं सारे नए स्कीम्स हैं 2013 और 18 के बीच में बहुत सारे स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मुसलमानों के लिए खासकर दिया था, उसको और आगे बढ़ाते हुए नए नए स्कीम्स इन्होंने खासकर ये 15 जो कॉलेजेस खोल रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत रेवोल्यूशनरी और रेडिकल स्टेप है। इससे हमारे लड़कियों को तालीम देने में और घर घर तालीम पहुंचाने में बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी इस कॉलेजेस की वजह से। और मैं दुआ करता हूं आगे और बहुत सारे इस तरह के स्कीम्स आए और आने वाले अब कुछ दिन के बाद हम लोग कुछ माइनॉरिटीज की मीटिंग मुंबई में करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे चुनाव आ रहे हैं और झारखंड में भी करेंगे। मैं वहां कोशिश करूंगा हमारे जमीर साहब और नसीर अहमद साहब और सलीम भाई को भी उनके साथ में लेके जाऊं ताकि हम दूसरे स्टेटों में हमारे स्टेट में मुसलमानों के लिए क्या काम हो रहा है, किस तरह के स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन के लाइन पे उस डायरेक्शन में कैसा हम काम कर रहे हैं ये हम उनको बताएं। मेरी ख्वाहिश यह है कि कर्नाटका पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी प्रोटेक्शन माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए एक मॉडल बने और पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाए। इस तरह से 2 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, मेडिकल के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, तो यहां पे पूरी कोशिश हो रही है कि जितना भी हो सके कि हम जहां तक हो सके बच्चों को हो माइनॉरिटी के लोगों को पुअर लोगों को के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फैसिलिटीज पहुंचे तो हम लोग भी दुआएं करें इंशाल्लाह अच्छे काम जल्द से जल्द लगो। साबिर तारीफ है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जमीर अहमद खान साहब को कि उन्होंने सारे लोगों से मिलकर बात करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं और खासतौर मदरसा कॉलेजेस एम्बुलेंस फ्रीजर्स और स्कॉलरशिप के बारे में पूरी तरह मिनिस्टर साहब बोलेंगे। मैं खासतौर सिद्धाम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जमीर अहमद साहब को मौका दिया काम करने का और सारे हमारे नसीर अहमद साहब हो हमारे नासिर हुसैन साहब हो रहीम खान साहब हो बल्किस बाम हो सारे लोग मिलकर जो है और खासतौर माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह हम लोग काम कर रहे हैं। मैं दोबारा जमीर अहमद साहब को और रहीम खान साहब को सारे जो हमारे जो कायदीन हैसियत कायदीन और उलमा इकराम और जो ऑफिसर्स उनको उनको मुबारकबाद देते हुए हदीस साहब ने इससे पहले पिछली हुकूमत में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उस वक्त हमारे साथ उन्होंने जुड़कर सारी बिदर डिस्ट्रिक्ट में और सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो मुसलमानों की सर्वे रिपोर्ट के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से बहुत नुमाया काम किया था। इनके हाथों जो मॉडर्नाइजेशन मदरसा का जो काम दिया गया है मैं समझती हूँ कि कामयाब रहेगा और हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब औरतों की तालीमी और इक्तिसादी बहबूदी के लिए जो काम करते आए हैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि दुआ से दुआ छोड़कर जिसमें दूसरी बड़ी ताकत नहीं है आप तमाम की दुआओं का सिला उनमें अल्लाह ताला ने नए नए कारनामे अंजाम देने के लिए दिलो दिमाग में वो इरादा वो डाल रहा है वो अपने सिर्फ सोच रहे हैं नहीं उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए और दुआओं की दरख्वास्त हमारे तमाम लीडरों को जो भी स्कीम आप लेकर आएंगे वो उसमें पहले एजुकेशन में स्कीम ज्यादा से ज्यादा लेकर आना चाहिए। यही वजह है कि आज जमीर अहमद साहब के 5 प्रोग्राम के अंदर आप देख ले 15 कॉलेजेस पीयू कॉलेजेस लड़कियों के लिए खोला गया है। ऐसे ही बच्चों को स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की स्कॉलरशिप तकरीबन 2,12,000 या 22,000 बच्चों को ये भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा शानदार प्रोग्राम जो हम पहले से बात करके आते थे कि बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको मतलब हाफिज कुरान होने के बाद
उनको कहीं ना कहीं नौकरी, मतलब मौलवी की मौलवी नमाज पढ़ाने की, इमाम साहब की नौकरी मिलती थी। अभी एक रेवोल्यूशन आया है, ये शुरुआत जनाब हमारे खदीम साहब ने बीदर से शुरुआत की है। उनको एक नया नाम भी दिया गया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट। तो मतलब वहां पर जो मदरसे में लड़के जो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, हिफ्ज करना चाहते हैं, उनको ओपन स्कूल के जरिए एक साल के अंदर एसएलसी में बिठाकर, एसएलसी में पढ़वा बिठाकर तैयार करके एसएलसी पास करने के बाद उनको दूसरे कोर्सेस में भेजने के लिए इंतजाम किया गया है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तकरीबन 200 मदरसों को इसमें डिसाइड सेलेक्ट किया गया है और दो दो लेक्चरर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और आपने देखा होगा स्टेज के अंदर एलईडी टीवी भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, सारे टूल्स जो चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सारे टूल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक और बात का आपसे कहना चाहूंगा, आदमी को काम करने के लिए सही और सच्ची अगर नियत होती है, लोगों की सर्विस करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए अगर सच्ची सोच होती है तो वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आता है। वही एक आपके सामने जनाब बीजेट जमीर अहमद साहब बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक नई सोच है, नया तरीका है, सही नियत है, उसलिए अल्लाह ताला भी आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे रहा है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, तकरीबन 8-10 दिन पहले जनाब जमीर अहमद साहब सुरेश के साथ और डीके शिव कुमार हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके साथ चनपटना गए हुए थे। चनपटना में 8 एकड़ जमीन, जो दरगाह की जमीन थी, वो जमीन में साइज बनाकर डिस्ट्रीब्यूट देने करने का प्रोग्राम था। मगर उन्होंने जब देखा कि भाई ये जगह जो है चनपटना सिटी के अंदर है, अगर साइड बनाएंगे 8 एकड़ में, 1 एकड़ में अगर 20 साइड बनती है तो 8 एकड़ में तकरीबन 160 साइड बनेगी। उसके बजाय अगर हम अपार्टमेंट्स बनेंगे तो तकरीबन 1200 अपार्टमेंट बन सकते हैं, तो 1200 फैमिलीज को अपार्टमेंट दे सकते हैं। ये सूच उनको वहां पर ही आई और नियत से उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार और सुरेश को कहा कि भाई हम साइट नहीं देंगे, हम घर बना के देंगे। तो मतलब 1200 फैमिलीज को इससे फायदा होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आदमी की नीयत अच्छी है, आदमी कौम की खिदमत करना चाहता है, आदमी अगर सही नीयत से करता है तो रास्ते भी खुलते हैं और अल्लाह ताला का साथ भी मिलता है। आज मैंने एक भी बड़ी करीब से रहकर जमीन साहब को देखा है, उनके अंदर जब कभी भी कोई ख्याल आता है, कोई सोच आती है, तो हम जैसे लोगों के साथ आसान से, आराम से, इत्मीनान से बैठकर करने का वैसा नहीं है। आज सोच आई तो कल ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये मैं बड़ी करीब से देखा है, इसका नतीजा है आज 15 स्कूलों का, मतलब पीयू स्कूलों का, लड़कियों का, कॉलेज का, ये तकरीबन ये बातचीत हुई, इमीडिएटली उन्होंने फाइनेंस चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर से कहा कि भाई ठीक है चलो, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया, फिर कैबिनेट मीटिंग में रखा, कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ। मैं समझता हूं कि 15 दिन पहले फैसला हुआ होगा और आज यहां पर फाउंडेशन स्टोन भी लग गया। तो इतना फास्ट, इतनी जल्दी, इतनी तेजी से अगर कोई मिनिस्ट्री में काम हो रहा है तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। कर्नाटक राज्य वक्फ मंडलिगे हलवारु रीतियल्लि अवरु 15 तिंगळल्लि सुमारु 15 बारी नम्म वक्फ मंडलिगे भेटि कोट्टु नम्म राज्यद कुंदुकोरतेगळन्न अवरु नम्म सदस्यर जोतेगे नन्न जोतेयल्लि अदेनादरू ई हिंदे आगिरुवंत सचिवरल्लि प्रथम बारिगे 15 सारि 15 तिंगळल्लि भेटि कोट्टिरुवंत ಸಚಿವರಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ
ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಬಿಜೆಡಿ ಜಮೀರ್ ಸಾದ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, हमारे यह सियासी कायदीन है, उलमा ने उलमा है, इस बारे में गौर फिक्र करके मुस्तकिल तौर पे मैनाटी ने एक मीटिंग भी रखी है ताकि इसका किस तरह से हल निकाला जाए और हमारी कौम इस वक्त बहुत बेताब है कि क्या किया जाना चाहिए। उस सिलसिले में भी आप माशाल्लाह उम्मत की कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिम्मत भी दे, आपको ताकत भी दे और सेहत भी दे और इसी तरह के इत्तेहाद के साथ ये काफिला आगे बढ़ता रहे और हर एक इससे फायदा उठाते रहे। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह आपके इन कामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आजादी हिंद के बाद तकरीबन 75-80 साल का अरसा गुजरा है। इस अरसे में न जाने कितनी मर्तबा कितने लोग, कितने कायदीन, कितने लीडर्स वक्फ मिनिस्टर बने, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड के सीईओ बने, सबने अपने अपने तौर पर बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। मगर 2024 में मोहतरम जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड के जरिया बल्कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिया मिल्लत इस्लामिया की खिदमात के हवाले से जो तारीखी काम अंजाम दिए हैं, इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि 75 साल तारीख में वक्फ बोर्ड की तारीख में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तारीख में जो काम अब तक नहीं हुआ था वो काम मोहतरम बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने करके दिखाया है। जमीर अहमद खान साहब ये ना समझे कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर है, वो तीन तीन डिपार्टमेंट के, तीन तीन शोबों के मिनिस्टर हैं, बल्कि हम बीजेड जमीर अहमद खान साहब के लिए कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब आप मिनिस्टर होते हुए सूबा कर्नाटका में एक तारीख बना करके पूरे इंडिया के लिए आपके डिपार्टमेंट को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप पूरे कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाईस से फख्र हैं और आपके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब अलहाज के अनवर बादशाह साहब और एक अच्छे विजन और मिशन के साथ सीईओ साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इन तमाम खिदमात पर वजीर मौसूफ को, चेयरमैन साहब को, सीईओ साहब को, वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान को और सारे मुस्लिम कायदीन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी ये खिदमात इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमेशा याद रखी जाएंगी और सूबा कर्नाटका के तमाम मुसलमान आपको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। खास तौर पर हमारे सूबा कर्नाटका के वजीर आला जनाब सिद्दरामैया साहब के लिए, डीके शिवकुमार साहब के लिए, कर्नाटका की हुकूमत के लिए हम सब दुआगो हैं। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह आने वाले दिनों में आपकी खिदमात का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं खास तौर पर जो कॉलेजेस पूरे सूबा कर्नाटका में दिए गए हैं उन कॉलेजेस के हवाले से ये कहना जरूरी समझता हूं कि वक्त की अहम तरीन जरूरत को आपने पूरा करने का काम किया है।
हमारी बेटियों के लिए पीयू कॉलेज के हवाले से सुबह कर्नाटका में आपने 15 अजला का इंतखाब किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में आप मजीद 16 अजला के लिए भी कॉलेजेस की तरकीब बनाएं। कॉलेजेस के साथ साथ जरूरत हॉस्टल्स की होती है, हॉस्टल्स की भी तरकीब बन जाए। मगर हमारी बेटियों की तालीम के लिए आपने जो काम अंजाम दिया है वो काम उन अनासिर के लिए, जो अनासिर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी बेटियों की तालीम के हवाले से रोड़े अटकाते रहे हैं, रुकावटें पैदा करते रहे हैं, उन रुकावट पैदा करने वालों को आपने बेहतरीन जवाब दिया है। आपके ये सारे काम बड़ी अहमियत के हामिल हैं, मगर आपने कॉलेजेस के कयाम के हवाले से जो कदम उठाया है ये कदम हमारी अपनी बेटियों की आला तालीम के हवाले से एक बेहतरीन पेशरफ्त है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कॉलेजेस के जरिया हमारी हजारों लाखों बेटियां आला तालीम हासिल करने में कामयाब होंगे और हर बेटी जनाब जमीर अहमद खान साहब को अपनी दुआओं से नवाजेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा काम आपने किया है, इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आप सब जमीर अहमद खान साहब के लिए दुआ करें, आप सब सुबह कर्नाटका के वजीर आला के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन सब को नजर बद से बचाए और इसी तरह इन्हें मिल्लत इस्लामिया की और हमारे सूबा कर्नाटका की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बीजापुर में समंदर के मछलियों की दुनिया, इंडिया का बिगेस्ट अंडर वाटर फिश टनल, बच्चों के खिलौने, लड़कियों की चूड़ियां, फनी गेम्स, सामान जीतने का मौका, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, फन एंड फेयर, मौज मस्ती और धमाल। नौबाग नई रोड अपोजिट नायरा पेट्रोल पंप बीजापुर।